आइए आइए, देख रही हो अपने लाले की करतूत? क्या हुआ, क्यों आसमान सिर पर उठाए हुए हो? हर विषय में फेल है। ये देखो, हिंदी में 15, गणित में 10, संस्कृत में 5, अंग्रेजी में अंडा। अरे ये परीक्षा फल है तिमाही इम्तिहान में अपने कुंवर साहब का। बेटा वीरेन। अम्मा। बेटा तू तो कह रहा था पर्चे बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ अम्मा, पर्चे तो बहुत अच्छे हुए थे। अबे पर्चे अच्छे हुए तो ये अंडा कहाँ से आ गया? अब ये तो अध्यापक जी ही बता सकते हैं, शायद मेरे उत्तर उनकी समझ में ही ना आए। अबे नालायक, तू बड़ा आलिम फाजिल हो गया है कि तेरे उत्तर अध्यापकों को समझ में ना आए। अरे दर्जा 9 में पढ़ता है, जरा भी सौ नहीं। अब जाने भी दीजिए, इसने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी थी फिर भी फेल हो गया, ये तो किस्मत की बात है। आ बेटा बैठ, सुबह से भूखा होगा। हाँ अम्मा। जा बेटा हाथ मुंह धोकर कुछ नाश्ता कर ले। अच्छा अम्मा। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण। कहा है मालकिन? रामदीन कहा है? बाजार गवा है मालकिन, साग भाजी ले। अच्छा तू एक गिलास दूध गर्म कर दे वीरू के लिए। जी बहुत अच्छा मालकिन। सुन। जी मालकिन। कुछ नाश्ता भी लगा देना। जी बहुत अच्छा, आइए छोटे मालिक। बदमाश का। देखो जी लड़का जवान हो रहा है, कुछ उल्टा सीधा मत बोला करो। हमारे कोई दो चार तो है नहीं, एक अकेली औलाद है। कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसे अलग भैंसा बना दिया है। इसकी उम्र के लड़के आजकल कहां से कहां पहुंच गए हैं। और एक ये है कि 2 साल से एक ही दर्जे में अटका है। ऐसा कुन जहन लड़का मैंने नहीं देखा। जाने भी दीजिए, कमजोर है तो लगा दीजिए कोई मास्टर वास्टर, आकर घंटे दो घंटे पढ़ा जाया करेगा तो लड़का अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे हाँ ये तो ठीक ही कहा तुमने, ट्यूशन तो लगा ही देनी चाहिए, पर किसको? ढंग के अध्यापक भी तो नहीं मिलते। अरे हाँ वो ज्ञान प्रकाश का लड़का भी तो बेकार है आजकल। कौन? अरे वही ज्ञान प्रकाश जो सिंचाई विभाग में मुलाजिम थे, बहुत भले आदमी थे, बेचारे का स्वर्गवास हो गया। उन्हीं का लड़का है चंद्र प्रकाश, बीए है बीए। अरे अंग्रेजी भी खूब बोलता है। तो फिर उसी को रख लो, किसी ऐरे गैरे को रखने से अच्छा है जान पहचान का आदमी हो। हाँ लड़का भला है और जरूरतमंद भी। लीजिए। ठीक है मैं आज ही बात करता हूँ। क्या अब मैं ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा? हाँ बेटा अब तू ट्यूशन पढ़ेगा, और ट्यूशन पढ़ेगा तो तुझे बार बार फेल भी नहीं होना पड़ेगा। तो फिर मैं गुल्ली डंडा खेलने कब जाऊंगा? क्या कह रहा, गुल्ली डंडा खेलेगा तू? अरे शादी ब्याह को तेरी उम्र हो गई है और तू गुल्ली डंडा की बात कर रहा है, तेरे पिताजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कहने दो, हमें कोई नहीं चाहता, सब डांटते रहते। क्या कहा? तुझे कोई नहीं चाहता, हम लोग तुझे डांटते रहते हैं, तेरे दुश्मन है हम लोग दुश्मन। वो तेरी आएगी महरिया ना, वो करेगी तुझे प्यार। देखो अम्मा ऐसी बात ना क्या करो, हमने कितनी बार कहा है तुमसे कि हमें शर्म आती है। प्रकाश बेटा, चंद्र प्रकाश। मैं ठाकुर रत्नदेव सिंह, चंद्र प्रकाश के पिता ज्ञान प्रकाश मेरे घनिष्ठ मित्रों में थे। जी नमस्ते, आइए आइए अंदर आइए। बैठिए। ज्ञान प्रकाश के ना रहने का मुझे बहुत अफसोस है, बेचारे बड़े भले आदमी थे, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे।
मुझ पर भी कई उपकार किए हैं उन्होंने। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, प्रकाश कहाँ है? जी वो पिताजी नहीं रहे, सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस मिल गया है, मकान ढूंढने गए हैं। अरे तो परेशान होने की क्या बात है, कह देना प्रकाश से कि कल ही ये सरकारी क्वार्टर फाटर खाली करके मेरी हवेली में आ जाए, ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है। लेकिन ये कैसे होगा? नहीं नहीं, उसे अपना ही घर समझो बेटी, बिना किराए के। अरे बेटे, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ है, प्रकाश वहाँ रहेगा तो मेरे बेटे को भी पढ़ा दिया करेगा। बड़ा नालायक है, 2 साल से एक ही दर्जे में अटका है। और हाँ, प्रकाश से कह देना कि 30 रुपए खर्चे पानी के भी दे दिया करूंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। जी, नमस्ते। नमस्ते। बाहर से तो देखने में मकान छोटा लगता था, पर अंदर काफी जगह है। हाँ, सरकारी क्वार्टर जैसा तो नहीं है, पर ठीक ही है। साथ में हाँ, श्रृंगारदान, अलमारी, पलंग सभी कुछ तो दे दिया। ऐसा मकान किराए पर ढूंढने में 20-25 रुपए से कम में तो मिलेगा नहीं। हाँ, किराया तो बचेगा ही, 2-3 घंटे पढ़ाने के 30 रुपए अलग से। 30 रुपए की मास्टरी के लिए किया था बीए। गृहस्थी की शुरुआत के लिए बुरा तो नहीं है। इस मकान में छत भी है, तुमने देखी? नहीं तो। चलो ऊपर चलते हैं। बढ़िया छत। हाँ सचमुच, सर्दियों में खूब धूप रहेगी, गर्मियों में भी रात को बहुत आराम रहेगा। नीचे तो बड़ी घुटन हो जाती है। मैं तो खाना बनाकर शाम को यही आ जाया करूंगी। अरे ये इतनी बड़ी छत किसकी है? ठाकुर साहब का मकान है ये। इसकी छत तो बिल्कुल अपनी छत से लगी हुई है, कोई भी उधर से इधर या इधर से उधर आराम से फांद कर जा सकता है। दोनों ही मकान ठाकुर साहब के हैं, इसीलिए बीच में ऊंची मुंडेर बनाने की जरूरत ही नहीं समझी गई होगी। सो तो ठीक है, पर 2 छतों के बीच थोड़ी दीवार मुंडेर तो होनी ही चाहिए। हाँ, ऐसा करते हैं, नीचे चल करके बाकी बचा काम निपटा लेते हैं। तो मैं बाजार चल करके कुछ सौदा पानी ले आऊं। हाँ चलो, काम तो लगभग सभी हो गया है। हाँ। बस थोड़ा बहुत ही बचा है। ठाकुर साहब के नौकरों ने बड़ी मदद की। वो भी ठाकुर साहब की तरह भले आदमी हैं। ये दरी बिछा देते हैं। जी। ये चौकी ठीक कर दीजिए। अच्छा। पूरा बदन थककर चूर हो रहा है। लाओ तुम्हारी थकान मिटा दो। आज 15 दिन हो गए तुमको ग्रामर सीखते हुए, लेकिन एक भी सेंटेंस तुम अभी तक सही नहीं बना सके। अंग्रेजी भाषा का ग्रामर ही ऐसा उल्टा पुल्टा है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ध्यान से समझने की बात है। अरे ये तुम बार बार अंगूठा क्यों चूस रहे हो? हमें अच्छा लगता है मास्टर साहब। अरे भैया, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, अंगूठा चूसना अच्छी बात नहीं है। हाँ तो मैं कह रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज की बारीकियां अगर तुम एक बार समझ लो तो तुम्हारे सामने नया रचना संसार खुल जाए। अंग्रेजी भाषा में बहुत से नाटककार,
कवि और लेखक हुए हैं, शेक्सपियर, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, इलियट आदि। अरे मास्टर साहब, हमें कौन इंग्लैंड जाना है, रहना तो हिंदुस्तान में ही है। सो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान में अंग्रेजी का बोलबाला है उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी न जानने वाले को कितनी हे दृष्टि से देखा जाता है। ये क्या उचित है मास्टर साहब? बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने देश में अपनी भाषा को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद कायम किया, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया, जिससे अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा बन गई। इस दृष्टि से अंग्रेजी सीखना कोई बुरी बात नहीं है। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। चंद्रप्रकाश जी। बेटा चंद्रप्रकाश, अभी अभी डाकिया ये खत दे गया है, अंग्रेजी में है, जरा पढ़कर सुना दो क्या लिखा है। अरे ये तो आपका टेंडर पास होने की सूचना है, आपको मिलिट्री में चावल सप्लाई का ठेका मिला है। अरे वाह बेटा वाह, कितने मुबारक कदम पड़े हैं तुम्हारे। अरे इस ठेके के लिए तो मैं कई साल से प्रयास कर रहा था। अब बेटे इस खत का जवाब भी तुम लिख देना। वीरू से तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वो अंग्रेजी की खतों किताबत ही कर दिया करे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वीरेंद्र जल्दी ही सीख जाएगा, बल्कि इस खत का जवाब भी मैं इसी से लिखवाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा। देखा वीरेंद्र, तुम्हारे कारोबार में भी अंग्रेजी बहुत काम आएगी। अच्छा जो ऐसे मैंने तुम्हें दिया था वो मैं कल देखूंगा, और इस खत का जवाब भी तुम्हें ही देना है। मास्टर साहब, मालकिन कहने हैं कि आप उनसे मिलकर जाएं, कुछ जरूरी काम है। जरूरी काम मुझसे? हाँ। कहाँ है मालकिन? मंदिर में है। अच्छा चलो मैं आता हूँ। नमस्ते मास्टर साहब। नमस्ते। मास्टर साहब आए हैं। हाँ हाँ मास्टर जी, ये बताओ वीरू की पढ़ाई कैसी चल रही है? अब ठीक होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, पर पहले से बेहतर है। आपसे कुछ सलाह करनी थी, इसीलिए बुलवाया था। है जी कहिए। तुम्हारी क्या सलाह है? वीरू का ब्याह कर दूं? बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। ये बात तो आप वीरू से ही पूछिए। लेकिन मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। अब मैं क्या राय दे सकता हूँ, वैसे भी वीरू अब 20 साल का तो हो ही गया है। पर एक बात है, ब्याह शादी के बाद फिर पढ़ाई लिखाई तो हो चुकी। तो फिर क्या करूं, अभी ना करूं? ये तो मैंने नहीं कहा चाची, पर दोनों ही बातें सोच लीजिए। तो फिर ठीक है, कर ही डालूं, कहीं लड़का बहक ना जाए। मेरे रहते इस बात की तो चिंता बिल्कुल ना करिए चाची, अगर इच्छा है तो कर ही डालिए, हर्जी क्या है। मगर सब तैयारियां तुम्हें ही करनी पड़ेंगी भैया, ये समझ लो। मैंने कब इनकार किया है चाची। अच्छा चलता हूँ, प्रणाम। जीते रहो बेटा, बहू से कहना दिन भर घर में क्या करती रहती है, यहाँ चली आया करे, मन लग जाएगा। जी बहुत अच्छा। अरे भाभी कुछ मत पूछो, बिल्कुल घोगा बसंत है। अम्मा ने कह दिया बैठ जाओ तो बैठ गए, बापू ने डांट दिया तो रुआ से हो गए। अरे फिर तो तुम्हारे आगे भी दुम हिलाते रहते होंगे। अरे कहाँ भाभी, अम्मा और बापू के डर से मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते, हर वक्त ये डरते रहते हैं कि कहीं कोई देख ना ले। अरे तो फिर रात में क्या करते हैं? जरा सी आठ होते ही चौक के खड़े हो जाते हैं। अरे लगता है वो आ गए। जाइए भाभी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं, यहाँ तो सब आप ही के कंट्रोल में है। क्या कर रही थी?
इतनी देर से कुंडी खटखटा रहा हूँ? छत पर चली गई थी, पड़ोस की एक युवती है सरला, अभी हाल ही में ससुराल से मायके आई है, उसी से बातें कर रही थी, बड़ी मजेदार बातें करती है। अच्छा जी, तो आपका पंचायती कार्यक्रम शुरू? क्यों जी, इसमें पंचायती की क्या बात है, दिन भर घर में अकेली उब जाती हूँ, आज छत पर चली गई तो उससे मुलाकात हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी और से मुलाकात हो जाए, मुझे तो संन्यास लेना पड़ जाए। हटो जी, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। ठकुराइन ने आज मुझसे कहा कि तुमसे कह दूं कि कभी कभी घर आ जाया करो, घर में अकेली बैठे बैठे क्या करती रहती हो? तो तुमने क्या कहा? कह दिया, कह दूंगा, और क्या कहता? मुझे नहीं पसंद बिना वजह कहीं आना जाना, हमारा उनसे क्या मुकाबला, वो ठहरे बड़े आदमी। वो तो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो हमको बहुत सम्मान देते हैं। पता है, आज वीरू की शादी के बारे में मुझसे कहने लगी, शादी करूं कि ना करूं। वीरू की शादी? ना पढ़ाई में, ना लिखाई में, और ना काम धंधे में, क्या जिंदगी पर बात करनी है? तुमने मना नहीं किया? मैं क्यों मना करता, वो तो पहले से ही आधा मन बनाए हुए थी। फिर ये कैसी सलाह हुई? अरे बड़े लोग सलाह थोड़ी ना मांगते हैं, वो तो बस यही चाहते हैं कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, बस। मुझे ये लल्लू चप्पू पसंद नहीं, अगर सलाह देनी ही पड़ जाए कभी तो सच बात ही कहनी चाहिए। मालूम है, ठकुराइन आज मुझसे कहने लगी कि वीरू की शादी में तुम्ही को सारा काम करना पड़ेगा। तो कर लेना, उन्हें तो चाहिए ही तुम्हारे जैसा एक बेरोजगार आदमी जो उनकी उंगलियों पर नाचता रहे। वो खत भेज दिया मुनीम जी? हाँ ठाकुर साहब। देखिए नंदकिशोर जी, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, चंद प्रकाश आएगा वही बतलाएगा। लो वो आ गया। हाँ आओ बेटा चंद प्रकाश, बैठो। ये है चंद प्रकाश, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही। नमस्कार प्रताप। नमस्कार। सलाम साहब। सलाम। अब सारा काम यही देख रहे हैं, जो ये तय करेंगे वही फाइनल। मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है प्रकाश बाबू, पता ठाकुर साहब के पास है, बारात में बसें तो चाहिए ही होंगी। हाँ कम से कम दो बसें तो चाहिए ही होंगी, लेकिन बसें अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, मैं खुद देखूंगा, कल आ जाऊं? हाँ हाँ कभी भी आ जाइए। ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार प्रकाश बाबू। हाँ बड़े मियाँ, अब आप बताइए। हुजूर मुझे नूर मोहम्मद कहते हैं, आतिशबाजी के हुनर में दूर दूर तक जाना जाता हूँ हुजूर, आरा बर रहे। अब कुछ ना पूछिए हुजूर, अपने राजा साहब के यहाँ शादी ब्याह हो, छठी हो, मुंडन हो, पसनी हो, खाकसार को ही याद किया जाता है, आरा बर रहे हुजूर। देखिए बड़े मियाँ, आपके हुनर की मैं कद्र करता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि आतिशबाजी फिजूल खर्ची है। अरे हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं, आप जैसे लोग ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। पिछले साल ही राजा साहब के मझले बेटे की शादी में हुजूर, और वो आतिशबाजी छुड़ाई थी हुजूर, वो आतिशबाजी छुड़ाई थी कि उसके अनारों की रोशनी से सात गांव नहा गए थे हुजूर, आधा वर्ष है। और हुजूर ऐसे मौके रोज रोज तो आते नहीं है, आधा वर्ष है। इसीलिए थोड़ा बहुत तो रखूंगा ही, लिस्ट और एडवांस आपको पहुंचा दूंगा। जी बेहतर है हुजूर। अच्छा तो ठाकुर साहब इजाजत दीजिए, आधा वर्ष सलाम। सलाम। वाह बेटा वाह, तुमने तो आनंद फानन ही सब निपटा दिया, मैं तो मुलाहजे में कुछ भी ना कह पाता। अरे डिग्री हासिल करने से यही सब काबिलियत आती है। अरे चाचा आजकल कौन डिग्री को पूछता है। हाँ मैंने हलवाई तय कर दिया है, टेंट और शामियाने वाले से भी बातचीत कर ली है, कुछ एडवांस भी दे आया हूँ, सब काम समय पर हो जाएगा। सुनार आने ही वाला होगा, उसको मैंने कहा था कि सारे जेवर लेकर के यहीं आ जाए ताकि चाची भी तो पसंद कर ले। वाह बेटा वाह, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अरे
तुम्हारे ही सहारे तो इतना झंझट मैंने मोल ले लिया। झंझट काहे का चाचा जी, सब काम निपट जाएगा। आपने 5,000 रुपए दिए थे, उसमें 450 रुपए में ही काम चल गया। 200 रुपए तो मैं टेंट वाले को दे आया और 250 रुपए हलवाई को एडवांस दे आया। बाकी 4,550 रुपए बचे वो आप गिन लीजिए। नहीं नहीं, इसे तुम अपने पास रखो। अरे चाचा जी, रखो ना बेटे, आगे भी काम आएंगे। और देखो, खर्चा बचाने के चक्कर में किसी की चिरौरी मत करना। चिरौरी की बात नहीं है चाचा जी, देख समझ करके ही पैसा खर्च करना चाहिए। तुम्हारी इन्हीं सब बातों ने तो मेरा मन मोह लिया है बेटे। ये तो आपका बड़ापन है चाचा जी। आओ दौलत राम जी, आओ। जय बंसी वाले की ठाकुर साहब। जय बंसी वाले। प्रकाश बाबू नमस्ते। नमस्कार। बैठो बैठो, आइए बैठे बैठे। अरे राम जी। आया मालिक। अंदर जाकर मालकिन से कहो कि चढ़ावे के जेवर आ गए हैं। अच्छा मालिक। और सुनो। जी मालिक। लक्ष्मण से कह देना थोड़ा नाश्ता पानी भिजवा दे। जी मालिक। ठाकुर साहब, प्रकाश बाबू ने जो जो जेवर छांटे थे सारे के सारे ले आया हूं। बड़ी पारखी नजर पाई है बंसी वाले की कृपा से। पारखी नजर तो मेरी भी है, इसीलिए सारा काम इन पर सौंप रखा है। आओ आओ बिरू की अम्मा, आओ बैठो। जय बंसी वाले की ठाकुर साहब। बहू के लिए चढ़ावे के जेवर पसंद कर लो। देख ला ये दौलत राम जी। जी बहुत अच्छा। हाँ ये देखिए, ये जड़ाऊ हार खास आपके लिए बनवाया है, और ये हार प्रकाश बाबू को बहुत पसंद आया था। ये देखिए ठाकुरानी साहब, इसमें ये मांग टीका और ये देखिए नथ, कितना बारीक काम है इसमें। और ये इन कंगनों को देखिएगा, खास मीनाकारी का इसमें काम है। और ये हार 5 तोले से कम का हार नहीं है। और ठाकुरानी साहबा ये देखिए आप, करधनी, और ये देखिए पायल। अरे वाह, ये तो सभी बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक, बिल्कुल नए फैशन के। ठाकुरानी साहबा, ये सब प्रकाश बाबू ने पसंद किए हैं बंसी वाले की कृपा से। तभी तो मैं कहूँ, ये सब एक ही नजर में मुझे क्यों भाग गए। मेरा तो जी कर रहा है सारे के सारे रख लो। तो रख लो ना। दौलत राम जी, जी इसका बिल बनाकर भिजवा दीजिएगा, प्रकाश भुगतान कराएगा बंशी वाले की कृपा से। जी। जा बंशी वाले की। नहीं, बस बस, पेट भर गया। आज बड़ी जल्दी पेट भर गया, तबीयत तो ठीक है? ऐसे ही, इच्छा नहीं कर रही। ईश्वर भी कैसा अन्यायी है। क्यों, क्या हुआ? कोई तो दाने दाने के लिए मोहताज है और कोई हजारों लाखों के जेवर बनवा रहा है। किसकी बात कर रहे हो? आज ठाकुर साहब ने चढ़ावे के लिए बैठे बैठे 15,000-20,000 रुपए के जेवर डाले। ऐसे बढ़िया बढ़िया जेवर की आंखें जुड़ा जाए। तो हमें क्या करना है? जिसके भाग्य में है वो पहने, यहाँ तो तिल तिल करके गलना ही लिखा है। अरे बाप दादा की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, वरना है किस लायक? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी करते, यहाँ तो रोटियां चलनी मुश्किल है, कहने कपड़े को कौन रोए। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ब्याह में जाऊंगी कैसे, एक ढंग की साड़ी भी तो नहीं है। हे भगवान, मैं बीमार ही पड़ जाती तो
के हमें जाने से तो बचती। अरे साड़ी तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा ही, क्या इतना भी नहीं कर सकता? अगर ऊपर वाले ने चाहा ना तो सर से पांव तक तुम्हें जेवरों से लाद दूंगा। ऐसे सपनों में मैं नहीं जीती, हंसी खुशी निभा होता रहे मेरे लिए यही बहुत है। कहनों का मोह नहीं है मुझे। नहीं होते तो ऐसे सोने घर में समय काटना मुश्किल हो जाता है। इस शहर में इतने बढ़िया गहने बनते होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। आस पड़ोस में कोई बच्चे भी तो नहीं है जिनसे जी बहला लूं। अगर वो गहने तुम पहन लो एकदम रानी लगो। और कोई बात नहीं कर सकते, हर समय गहने गहने गहने। गहने पहनने से क्या किसी की सुंदरता बढ़ जाती है? मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतों को देखा है जो गहने पहनकर भद्दी लगने लगती है। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। ये नहीं हुआ कि कह देते कि एक दो गहने अपनी चंपा के लिए लेते जाओ। क्या बच्चों जैसी बातें करते हो, भला कोई अपनी बहू के गहने भी किसी गैर को देता है? मैं कोई गैर नहीं हूँ, एक ही मकान में रहते हैं, उनके लड़के को भी पढ़ाता हूँ, शादी की पूरी तैयारी भी मैं ही कर रहा हूँ। अरे अगर एक दो गहने दे भी देते तो कोई कंगाल तो ना हो जाते? अब बस भी करो, इतना ईर्ष्या भाव ठीक नहीं होता। ठाकुर साहब और उनके गहनों के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। बेचारी, खाने पहनने की उम्र है और हर चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। सबर तो इतना जैसे समुंदर की गहराई, उम्र से पहले ही उम्रदार हुई जा रही है। दो छतों के बीच कोई दीवार या मुंडेर तो होनी ही चाहिए। सरला क्या कह रही हो तुम? हाँ चोरों ने तो कमाल ही कर दिया, न जाने कहाँ से कुंजी उड़ा ली और न जाने कैसे उन्हें पता चला
कि संदूक में गहनों के डिब्बे रखे हुए हैं। हे भगवान सरला, मुझे तो चक्कर सा आ रहा है। मैं तो इसीलिए तुम्हें बताने आ गई थी कि भाई साहब वहाँ पढ़ाने जाते हैं ना, तो बुराई चाची भाई साहब का नाम ले लेकर कह रही थी कि बेचारे महीनों इधर उधर भटके, एक से एक जीवर पसंद कराए और चोर दाढ़ीदारों ने सारे की कराए के पानी फेर दिया। सारे मोहल्ले में हड़कंप मचा है। अच्छा वह मैं चलती हूँ। सुनिए सुनिए, जल्दी उठिए, ठाकुर साहब की यहाँ चोरी हो गई। ठाकुर साहब क्या चोरी हो गई? चोर वीरू के ब्याह के सारे सेवर उठाकर ले गए। किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? कानो कान खबर नहीं हुई किसी को। जरूर ये उनके नौकरों का ही काम होगा, कोई बाहरी आदमी तो ये काम कर नहीं सकता। नौकर तो उनके सभी पुराने हैं। अरे नियत बदलते कितनी देर लगती है। तुम जरा जाकर उन्हें तसल्ली दो, बेचारों की क्या हालत हो रही होगी। अच्छा अच्छा मैं जाता हूँ। ना कहीं सेंध लगी, ना कोई ताला टूटा और ना किसी दरवाजे की चूर उतरी, फिर भी चोर सारे जेवर चुरा कर ले गए। समझ नहीं आता कि ये चोर आया कहां से। भैया प्रकाश, हम तो लुट गए। बीरू का ब्याह सर पर है, अब कैसे क्या होगा। तुमने इतनी दौड़ भाग करके इतनी मेहनत करी तब जाके ये चीजें आई थी, जाने किस मनहूस साइड में लगन आई। धीरज रखिए चाची, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर चाचा, मुझे तो ये नौकरों की करतूत लगती है। ना भैया ना, हमारे नौकरों में ऐसा कोई नहीं है। 10,000 रुपए ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी भी एक पाई नहीं गायब हुई। अरे तुम क्या जानो, आदमी का मन बदलते देर लगती है। मैं रिपोर्ट करूंगा, पुलिस बुलवाऊंगा और जब दो दो डंडे पड़ेंगे सालों की कमर पे तब समझ में आएगा। अरे मालिक, 20 जूता मान लो लेकिन हम पंचर पर ऐसे इल्जाम ना लगवाओ। फलिक, हम आपका नमक खावा है, अब नमक खा के हम नमक हरामी कर में। अरे ठाकुर चाचा, पुलिस में रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाथ थोड़ा स्वांग तमाशा जरूर हो जाएगा, माल तो बरामद होगा नहीं, पुलिस अपनी फीस और वसूल ले जाएगी। हो सकता है आपको ही फंसा दे किसी झंझट में। मेरी मानिए तो को एक एक करके बुलाकर एकांत में पूछताछ कीजिए। कैसी बच्चों जैसी बात करते हो चंद्रप्रकाश? अरे भला चोरी करने वाला कोई अपने आप कबूलता है? और फिर तुम्हारी सेहत भी ऐसी नहीं कि मार पीट कर किसी से कबूलवा सको। हाँ, पुलिस वाली तुम्हारी बात जरूर समझ में आती है। माल वाल तो मिलेगा नहीं, उल्टे महीनों का झंझट जरूर पड़ जाएगा। लेकिन हाथ पे हाथ रख करके भी तो नहीं बैठा जा सकता। लेकिन करूं क्या, कोई खुफिया पुलिस होती तो पता लगा लेती, यहां तो वो भी उम्मीद नहीं है। आप भले ही गम खा जाएं।
पर मैं चुप बैठने वाला नहीं। देखिएगा, इन्हीं नौकरों में से मैं चोर का नाम कबूलवाऊंगा। देखो भैया, नौकरों का नाम मत लो, ये तो काम किसी बाहरी आदमी का ही है। चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से ही है। तुम्हारी छत भी तो फांद कर आ सकता है। मैं तो ठीक 10 बजे बाहर के दरवाजे बंद कर देता हूँ। हो सकता है कि कोई मौका ताड़ कर छत पर छिप करके बैठ गया हो, तो बात अलग है। बेटे, जरा छत पर चलकर तो देख, शायद कोई पता निशान मिल सके। कोई दरवाजा ना खुला रह गया हो? दरवाजा तो मैंने टाइम पर ही बंद कर दिया था, फिर भी तसल्ली के लिए चल करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो। बस आते चोर निकला, इसमें क्या शक है? ये कैसा निशान है? रगड़ का निशान लगता है। इससे तो यही जाहिर होता है कि चोर मेरे ही घर से निकला। आंखों में धूल झोंक गया ससा। हाँ, लगता तो यही है, पर इतना सब पता लगने पर भी क्या होगा? जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया। अब चलो यहाँ से, और जेवर बनवाने के बारे में व्यवस्था की जाए। नासो, सत्यानासो ससुरे का, मेरे दिल से तो यही आह निकल रही है। अब कुछ भी हो चाचा, घर तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी लापरवाही से चोरी हुई, इसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही पड़ेगा। चोर उसके घर की छत से आया, यही बात उसे लग गई। अब वो रुकेगा नहीं, चाहे जितना समझा लीजिए। ठीक है, किराए के 20 रुपए और दे दूंगा। हम लोग क्यों दें? हम लोगों ने तो कुछ कहा नहीं, अपनी मर्जी से जा रहा है। अरे, ऐसे गुनी और स्वाभिमानी व्यक्ति का कुछ तो ख्याल करना ही पड़ेगा। और फिर 30 रुपए में गुजर कहाँ होती है आजकल के जमाने में। ये रहा साग सब्जी, सस्ती मिल रही थी सो इकट्ठे ही 2-3 दिन के लिए आया। अब तो बीरू की शादी भी निपट गई, फिर भी रोजाना इतनी देर लगा देते हो। दरअसल एक सेठ के यहाँ 50 रुपए की नौकरी और मिल गई है, इसीलिए अब थोड़ी देर तो लगनी ही है। अरे ये क्या? स्वेटर। इतना छोटा स्वेटर? नए मेहमान के लिए है, कोई आने वाला। अच्छा, तो ये बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे शर्म आती है। शर्म? मुझसे? सुनो, मैं सोच रहा हूँ नए काम से जो 50 रुपए मिलेंगे उन्हें जमा कराता रहूंगा, और जब ढेर से रुपए हो जाएंगे तो उससे तुम्हारे लिए जेवर खरीदूंगा, तुम्हें सर से पांव तक जेवरों से लाद दूंगा। सच? और नहीं तो क्या झूठ? अब छोड़ो, खाली बातों से पेट नहीं भरता। तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा।
रहते हो? कुछ नहीं, मेरी कुछ किताबें हैं, और नहीं तो क्या, बस इधर उधर मारी मारी फिरते थे, सोचा संदूक में बंद करके ताला लगा के रख दो। अच्छा अच्छा, आओ खाना खाओ। जब भी बाहर से आते हो संदूक जरूर खोलते हो, आखिर ऐसी कौन सी जरूरी किताब रखी है उसमें? वो मकान बदलते समय एक सर्टिफिकेट खो गया था, बार बार यही ख्याल आता है किसी किताब में ना रह गया हो। ओ, ताले की चाबी बना दोगे? हाँ भौजी। अच्छा ऊपर आ जाओ, बगल में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बहू जी ताले वाला, बहू जी आओ भैया, ये ताला है। अच्छा ये। कैसा भी जबर जंग ताला हो मेरे हाथों में आते ही खुल जाता है। अच्छा अच्छा बातें ना बनाओ, इसे खोलो। हाँ भौजी ताला खुल गया। कितने पैसे दूँ? चार आना। चार आना तो बहुत है, दो आना दूंगी। लाइए बहू जी, बोहनी का टाइम है। ये देती हूँ, कह दूंगी आपकी अमानत आप।
आपके पास ले आई। ये मत पूछिए ये गहने मेरे पास आए कहां से, लेकिन कहीं गुस्से में आकर ठाकुर साहब ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, फिर तो इन्हें हथकड़ियां लग जाएंगी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। नालायक है, बहु बीमार है और वो न जाने कहां घूमने निकल गया। अरे गया हुआ कहीं, आ जाएगा। बहु ये थोड़े से फल लाया हूं। इसकी क्या जरूरत थी चाचा जी? जरूरत क्यों नहीं थी, इतनी बीमार हो और चेहरा पीला पड़ गया है। ये लो बहु, तुम्हारे लिए खिचड़ी लाई हूँ। आपने क्यों तकलीफ की चाची जी? अरे बेटा थोड़ा सा खा लो। अरे चाची जी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। खा लो बहू। क्या मर्ज बताया डॉक्टर ने बहू? पता नहीं, दवाई पे दवाई दिए जा रहा है। मुझे तो लगता है अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। कल मैं वैद्य को बुला लाऊंगा। आप क्यों परेशान होते हैं चाचा जी? इसमें परेशानी की क्या बात है, और मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग हवेली चले चलो, वहाँ ठीक से देखभाल हो जाएगी। हाँ हाँ बहू, वहाँ वीरू की बहू भी होगी, तेरा मन भी लग जाएगा, तेरी देखभाल भी तो अच्छी से हो जाएगी। नहीं नहीं चाची, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तभी आऊंगी। अच्छा जरा पानी दीजिए। लो बहू पानी पी। अच्छा बहू अब हम चलते हैं, वीरू की बहू अकेली होगी ना घर में। हाँ, हम लोगों को रोते हुए जरा भी फिकर मत करना। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। हमेशा तो मैं तुम्हारे हाथ की रोटी खाता था, अब तुम मेरे हाथ की रोटी खाओ। घबराओ नहीं, उतनी खराब नहीं होगी जितनी तुम सोच रही हो। नहीं ये बात नहीं है। पता है बैंक में मेरी असिस्टेंट मैनेजर वाली नौकरी पक्की हो गई है। जमानत का इंतजाम हो गया क्या? ठाकुर साहब ने दे दी। ठाकुर साहब से तुमने जमानत क्यों दिलवाई? तो और किससे दिलवाता? अरे ज्यादा से ज्यादा यही होता ना कि नौकरी ना मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती हैं। रुपए पैसे का मामला है, कहीं कोई भूल चूक हो गई तो तुम्हारे साथ साथ उनके रुपए भी जाएंगे। तुम क्या सोचती हो मैं इतना अनाड़ी हूं जो भूल चूक हो जाएगी? आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। चप्पा ने कहीं संदूक खोल के देख तो नहीं लिया?
मैंने उसे नौकरी की खुशखबरी सुनाई, फिर भी उदासीन, चोट पे चोट की जा रही है। तुम ऐसा क्यों कहती हो? बस यूं ही, मैंने तो दुनिया की बात कही है। तुम क्या समझती हो, बैंकों में जितने लोग काम करते हैं उनकी नियत बदलती रहती है? तुम तो जुबान पकड़ते हो ठाकुर साहब। क्या वीरू की शादी तक में तो तुम अपनी नियत ठीक नहीं रख सके, 100-200 की चीजें तो घर में रख ही ली। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने तो कमीशन के सिवा एक पाई भी नहीं ली। और कमीशन लेना कोई बुरी बात तो नहीं, बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। लेते होंगे, लेकिन जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर तो मैं एक पाई भी लेना पाप समझती हूँ। अरे सज्जनता तो इसमें होती जब तुम कमीशन से मिले रुपए ले जाकर ठाकुर साहब के हाथ में रख देते। पिछले 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मकान तुमने अपनी मर्जी से छोड़ा, लेकिन किराया वो देते हैं। उनके इलाके से कोई भी सौगात आती है तो तुम्हें जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास खड़ी नहीं थी, उन्होंने अपनी खड़ी तुम्हें दे दी। जरा सी कोई बात हो जाए फौरन नौकर भेज देते हैं, वैद की फीस भी वही देते हैं। और जमानत, जमानत तो आजकल के जमाने में कोई अपने सगे संबंधियों की भी नहीं देता। उन्होंने तुम्हारे हाथ में नगद 10,000 रुपए निकाल कर रख दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? अरे कल को तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए तो तुम जब्त ही समझो। अरे जो अपने ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए तो प्राण देने को भी तैयार रहना चाहिए। लो भैया। भाई प्रकाश जी, तुम्हारी दावत बहुत बढ़िया रही। अच्छा, चंपा ने खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। मुझे तो खीर बहुत अच्छी लगी। अरे तो भैया और खा लो। नहीं, अब पेट भर गया। अच्छा तो घर लेते जाना। अरे नहीं मास्टर साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपनी वाइफ को चंपा भाभी से खाना बनाने की ट्रेनिंग दिला दूं। मैं तो आका शिशु हुई। क्यों नहीं चाचा जी, मुझे ये अफसोस रहेगा आप वीरू की बहू को नहीं लाए। मास्टर साहब वो मायके गई हैं, बोली कि मैं इतने पढ़े लिखे लड़के के साथ नहीं रहूंगी, जब कुछ पढ़ लूंगी तब आऊंगी। ये साला घोचू का घोचू निकला। देखो बापू, अगर मारोगे तो मैं वहीं चला जाऊंगा अपनी वाइफ के पास। हाँ। भैया प्रकाश, अब तो तुम स्टैंड मैनेजर बन गए हो। स्टैंड नहीं अम्मा, असिस्टेंट मैनेजर। हाँ हाँ वही, हम लोगों को भूल ना जाना। अरे चाची, आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, आप लोगों की बदौलत ही तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये एहसान तो मैं 7 जन्म तक नहीं भूल सकता। अरे बेटा, इसमें एहसान की क्या बात, तुम्हारे जैसा गुणी और काबिल आदमी तो 1,500 में एक मिलता है। आज तुम जो कुछ भी हो अपनी काबिलियत की बदौलत हो। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। अच्छा अब चलते हैं। नहीं चाचा जी, आज आप यहीं रुक जाइए, अब बहुत रात हो गई है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सुनिए, अरे सुनिए चाचा जी, अभी आया। जाओ बेटे। क्यों रोक रहे हैं उन्हें, जाने दीजिए। इतनी रात को लोग कैसे जाएंगे? ना चार पाइया है, ना बिछावन और ना इतनी जगह, रात भर उन्हें भी तकलीफ रहेगी और खुद को भी परेशानी। अरे बेटा प्रकाश, अभी आया चाचा जी।
चाचा जी, चंपा भी यही कह रही है, आप लोग यहीं रुक जाइए। आप गरीब की कुटिया में रुक जाएंगे, हम लोगों का भी मान रह जाएगा। लेकिन ठीक है, जब बहू कह रही है तो फिर रुके जाते हैं। अच्छा, नमस्ते मास्टर साहब, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक रही। क्यों? वो जो गहने चोरी हुए थे ना, वो सब मिल गए। अच्छा अच्छा, वो कैसे? अब अंदर भी तो आइए, पिताजी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो? गद्दी पे बैठे। अच्छा चलो आइए। देखिए ठाकुर साहब, ये जमा के 25,000 रुपए है और ये बकाए के 5,000 रुपए। नमस्ते ठाकुर चाचा। नमस्ते नमस्ते। आओ प्रकाश भाई, बैठो बैठो भाई। कल की तुम्हारी दावत भी खूब रही, गहने की पोटली जैसी की तैसी मिल गई। अच्छा? हाँ, आज सुबह जब तुम्हारे यहाँ से लौटा तो देखा आंगन में पोटली पड़ी थी, खोल कर देखा तो सारे के सारे गहने निकल आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि चोरी का माल 6 महीने बाद मिल जाए, अब वो भी ज्यों का त्यों? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे बेटा धीरे, वो पोटली लाकर प्रकाश को दिखा तो सही, जा ले क्या? सारे के सारे जेवर मिल गए भैया, रत्ती भर चीज इधर से उधर नहीं हुई, जैसे कोई रखने ही भर को तो ले गया। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये तो कोई दैवी चमत्कार लगता है। हाँ, अब तो मुझे भी देवताओं पर श्रद्धा होने लगी। अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी भी विश्वास ना होता। चंपा, ठाकुर साहब के जेवर मिल गए। क्या जेवर मिल गए? हाँ। अरे तुम रो रही हो? मेरा पति मुझे वापस जो मिल गया।
देखते रहिए हमारा चैनल सुनील बत्ता फिल्म्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी है जो आप तक पहुंचने वाला है।